हरियाणा पुलिस ने जिला रोहतक विच महिला दे नाल जबर जुनाह तो बाद हत्या दे मामले विच दो व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता है। सोनीपत दे डिप्टी कमिश्नर के मकरंद पांडुरंग ने दस्सिया है कि इस मामले विच पीड़ित परिवार ने जिन्हां ने लोकां ते शक जाहिर कीता सी उन्हां नूं छेती ही गिरफ्तार कीता जाएगा ते परिवार नूं पूरी सुरक्षा भी दित्ती जाएगी। उन्हां ए भी आखिया है कि सूबा सरकार ने जिला सोनीपत दे पिंड कालूपुर वासी पीड़िता दे नेड़ले संबंधी नूं 10.5 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। जिक्र योग है कि रोहतक विच वापरे समूहिक जबर जुनाह के मामले विच हादसे का शिकार हुई 23 साल लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच उस नाल हुई हैवानियत के खुलासे हुए ने। रिपोर्ट दे विच ये गल सामने आई है कि लड़की का चेहरा जुबान अख ते कन्ना नूं पूरी तरह दे नाल नुकसानिया गया है। उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, बहुत सारी इंजरीज हैं उसकी बॉडी पर जो कि एंटी मॉर्टम इन नेचर है। रेप भी किया गया, जो कॉज ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी से ही है, जो ईंट से जो सर जो मारा गया है, जो सर जो डिफेस किया है, सर जो कुचला गया है, जितना एविडेंस पॉसिबल जो प्राइमा फेसाई जो हो सकता था उसे कलेक्ट किया और कलेक्ट करके अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया।